बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक ने बीते गुरुवार यानी कि 9 मार्च को दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पर इस तरह से इन्होंने दुनिया को अचानक अलविदा कह दिया, जिसके चलते आज पूरा देश इनके जाने के गम में डूबा हुआ है। पर अब इसी बीच खबरें आई हैं कि अभिनेता सतीश कौशिक जब शादीशुदा नहीं थे तो वो एक बिन ब्याही माँ से शादी करके उन्हें अपना हमसफर बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया को अलविदा कहने वाले अभिनेता सतीश कौशिक बिन ब्याही माँ से क्यों शादी करना चाहते थे, और वो बिन ब्याही महिला कौन थी जिनसे ये शादी करना चाहते थे? अगर आप भी उस महिला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभिनेता सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, इन्होंने 66 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली, पर वो अपने पीछे तमाम किस्से और यादें छोड़कर गए हैं। और इन्हीं में से एक किस्सा है कि एक समय पर सतीश कौशिक एक बिन ब्याही महिला से शादी करना चाहते थे और उन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि नीना गुप्ता थी। जी हाँ, इन्होंने नीना गुप्ता से शादी करने के लिए उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन नीना गुप्ता ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि उस वक्त नीना बिन ब्याही प्रेग्नेंट हो गई थी। बता दें, सतीश कौशिक और नीना गुप्ता बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय नीना मुश्किल दौर से गुजर रही थी जहाँ वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और समाज में उन्हें ताने पड़ रहे थे। तब वो अकेले पड़ गई थी और ऐसे में सतीश ने नीना को शादी का ऑफर दिया था और वो नहीं चाहते थे कि नीना खुद को अकेला महसूस करे। वहीं उन्होंने ये भी बताया था कि एक सच्चे दोस्त के रूप में वो नीना के साथ हमेशा खड़े थे। उन्होंने नीना की काफी तारीफ भी की थी कि एक लड़की ने उस दौर में शादी से पहले बच्चा पैदा करने का फैसला किया था, वो वाकई काबिले तारीफ है, इसलिए वो उनके अकेलेपन की वजह से चिंतित थे। वहीं सतीश ने नीना गुप्ता से कहा था कि मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो, अगर बच्चा डार्क स्किन कलर का हुआ तो हम शादी कर लेंगे और किसी को शक नहीं होगा। जिस समय हर तरफ नीना को कोसा जा रहा था, उस समय दोस्त के मुंह से ये शब्द सुनकर नीना की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके बाद तो इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। इसी के साथ बता दे कि नीना ने 80 के दशक में स्टार क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स को दिल दे बैठी थी और वो शादी से पहले ही उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर विवियन पहले से शादीशुदा थे, इसलिए वो इनसे शादी नहीं कर सकते थे। पर बाद में इन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि नीना ने साल 2008 में विवेक मेहरा से शादी की थी, वहीं सतीश कौशिक ने शशि से शादी की थी जिनसे आज इनकी एक बेटी भी है। पर अफसोस, अभिनेता सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे, बस अब उनकी सिर्फ यादें और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ किस्से ही रह गए हैं। वेल दोस्तों, आप सतीश कौशिक से जुड़ी इस खबर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।